Yes, flight is ready for departure. ये short session, types of meetings जो एक section अपनी course की important class थी, section 96 onwards शुरू होता है, ये उस पर based है। पहले observe कर लो। जब मैं बोलता हूँ types of meetings, तो सबसे पहले आपके मुंह पर क्या आता है? Shareholders meeting, board meeting, ऐसे बहुत सारे meetings और हैं company में, like debenture holders meeting, creditors meeting, पर हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन इस पर्टिकुलर क्लास में है शेयर होल्डर्स मीटिंग। और जब मैं शेयर होल्डर्स मीटिंग बोलता हूं, तब मेरे मुंह पर क्या आएगा? सबसे पहले एजीएम, और सेकंड जो मेरी जुबा पर आता है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो आपको स्लाइड्स में दिख भी रहे हैं। ये नाम से आप ऑलरेडी अवगत हैं, यू नो अबाउट दीज नेम्स। अब मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके ऊपर थ्रो करता हूं, लेट अस सी पेन ड्राइव में कौन कितना किया है। अगर मैं ये पूछूं आपको एजीएम होल्ड करने का टाइम, तो आप बोलेंगे सर एजीएम साल में एक बार होना चाहिए। रॉन्ग 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 रॉन्ग। क्या बोलेंगे? एजीएम मस्ट बी हेल्ड एट दी अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड और एक बताओ। वेरी गुड, विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द प्रीवियस एनुअल जनरल मीटिंग। कुछ नया नया होने वाला है इसीलिए बुलाया हूं। और आरओसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, कई बार कोई स्पेशल रीजन अगर हो जाए तो वो आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है। बट सुनो सुनो सुनो, ये जो फर्स्ट एजीएम होता है ना, फर्स्ट एजीएम का टाइम थोड़ा अलग होता है। अगर आप देखोगे, फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर इतना क्या अलग है? बताऊंगा। ये दोनों आपको क्लियर है? सर नया चीज क्या है? आपने इस रिवीजन वीडियो के लिए मुझे क्यों बुलाया? सर नया चीज मैं क्यों आऊं? मेरा तो सब हो गया है, पेन ड्राइव था मेरे पास। लीजिए, आपके लिए स्वागत है एक नया चीज। लिस्टेड एंटिटीज होता है ना, लिस्टेड कंपनीज, तो आपने लेक्चर्स के दौरान सुना होगा लिस्टेड कंपनीज को कंपनीज एक्ट तो अप्लाई करेगा ही। लिस्टेड एंटिटीज को सेबी के भी कुछ नियम कानून अप्लाई करते हैं। तो सेबी के कुछ नियम कानून की जब मैं बात करूं, तो ये आपके सामने है। एक चैप्टर आप पढ़ोगे सीए फाइनल में, और सीएस एग्जीक्यूटिव में अलग से है, सीएमए फाइनल में भी है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस बोलते हैं। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में लिखा हुआ है टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज जो है ना, टॉप कितनी? 100 लिस्टेड एंटिटीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार डिटरमिन होती है, मेकिंग नहीं, मार्केट, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार डिटरमिन होती है। 31 मार्च को उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस अनुसार टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज को अपना एजीएम, जो हम और आप इतने क्लास में मेहनत से सीख रहे थे ना, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज को अगर एग्जाम में धीरे से पूछ ले, उनको अपना एजीएम विद इन 5 मंथ्स। से वापस बोलिए, विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर होल्ड करना पड़ेगा। मिस प्रिंट है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर उनको होल्ड करना पड़ेगा। ओके, विद इन 5 मंथ्स, रिमेंबर दिस। और उनको वन वे लाइव वेबकास्ट भी करना पड़ेगा, अपने उस एजीएम को दिखाना भी पड़ेगा वन वे लाइव वेबकास्ट। तो ये रिमेंबर दिस, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉर्मल एजीएम पर, सारे बच्चे लिख के आएंगे एजीएम मस्ट बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट ऑफ 2 डेट्स, एंड सब जानते हैं व्हाट आर दोस 2 डेट्स। बट धीरे से पूछेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, व्हाट विल बी योर आंसर इफ इट इज अ लिस्टेड एंटिटी। नया चीज हो रहा था आज, तो अगर लिस्टेड एंटिटी होता है, और वो भी कैसी लिस्टेड एंटिटी, एक बार सारी लिस्टेड एंटिटी को नहीं अप्लाई कर रहा है, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज जो होते हैं ना, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज जो है, टॉप बोर्ड देखो पहले, सिर्फ टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज जो मार्केट वैल्यू के अनुसार देखे जाते हैं, उनको अपना एजीएम होल्ड करना पड़ता है विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो नॉर्मली हम लोग 6 मंथ्स पढ़े थे, नॉर्मली हम लोग पढ़े थे पिछले एजीएम और इस एजीएम के बीच में 15 मंथ्स का गैप, और उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स करवाया था, वो मैं वापस क्यों दोहराऊंगा? मैं कुछ नया करवा रहा हूं यहां पर आपको, इसीलिए बोला था आ जाना, पर आपके फ्रेंड्स लेजी हैं, नहीं आना था। इज इट फाइन एवरीवन? यस सर। ये मैं आपको जो नई बुक दूंगा उसमें ऑलरेडी डाली हुई भी है, जो कैलकटा में अगले हफ्ते एक नई किताब आने वाली, सेम किताब है, उसी को हमने टेबल फॉर्मेट में बहुत सुंदर बना दिया, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द एंटायर बुक हैज बीन चेंज, मेरे ही बुक के फॉर्मेट को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, बहुत इजी लैंग्वेज ड्राफ्ट कर दिया। जैसे पहले था ना एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी, तो मैंने अलग से लिख दिया ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम, ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए। ओके, मैं उसकी फोटो इमेज आपको डाल दूंगा, जो लोग अभी क्लास करने आए हैं, नथिंग टू वरी। स्पेशल रीजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनुअल अकाउंट्स आर नॉट रेडी, इट इज नॉट अ स्पेशल रीजन। फायर ब्रेक्स आउट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, इट इज अ केस ऑफ स्पेशल रीजन, याद आ रहा है?
और ये जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं आप इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ये एक नया पॉइंट है, GNL1 नाम के फॉर्म में आप ROC को अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए, ओके GNL1 नाम के फॉर्म में आप ROC को अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए। फिर मैंने इस टाइप के कुछ सम्स करवाए थे आपको, वो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, याद है ना PPT से कुछ सम्स करवाए थे, नए किताब में मैंने उसी पैराग्राफ के बाद वो इंसर्ट कर दिया, दैट्स द ओनली डिफरेंस। भावुक मत होगा किताब चेंज हो गया, मैं तो आपको फिर से और एक भी दे रहा हूं, तो ये आपके समरी बुक टाइप की हो जाएगी जहां पर आप टॉपिक के बाद ही कर पाएंगे। अब इसमें लोग अटक जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर में एक बहुत चैलेंजिंग चीज आता है, सपोज 18 फरवरी 2019 को इनकॉर्पोरेट हुआ कंपनी, तो सब क्या सोचते हैं, क्वेश्चन भी आया था ना चारू तुम्हारा कि 18 फरवरी 2019 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है तो इसकी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगी। बच्चा बोलता है सुनो सुनो सर 31 मार्च 2019, 31 मार्च सर। लॉ बोलता है ऐसे नहीं देखा जाता है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, याद आ रहा है ऐसा कुछ था ना कि इधर वाला जो 18 फरवरी 2019 है इसका 31 मार्च 2020 होगा, क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, ये 2019 में कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को हो रहा है, तो इसकी फर्स्ट AGM का तारीख बताओ सबको। नहीं, 6 मंथ्स नहीं, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना CA इंटर में, लोग वहां पे भी अटक जाएंगे, कब आएगा डेट प्रथम बता, मार्च 2020 तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 9 महीना कैलकुलेट करके बताओ कब होगा, ऑन और बिफोर, क्या बोल रही हैं आप, 31 मार्च 2020 से 9 मंथ्स, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020। सब बच्चे इसको मार्च से कैलकुलेट कर देते हैं, नॉर्मली वही टेंडेंसी रहता है। अब जैसे ये वाले में आओ 18/9/2019, तो अगले साल का कैलेंडर ईयर का जो 31 मार्च आएगा तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा इसका, 31 मार्च 2020, और फिर वहां भी 9 मंथ्स के अंदर। सर फायर लग गया था सर, बहुत बड़ा फायर लग गया था सर, एक्सटेंशन पॉसिबल सर दे दीजिए ना, 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा फर्स्ट AGM में, स्पेशल रीजन के आधार पर भी एक्सटेंशन नहीं मिलता है। ये मेरे बुक में पुराने बुक्स की पेज नंबर्स है, कोई के पास 222 में ये PPT बना हुआ था इन द ओल्ड बुक्स, इट इज मेड इन 222, 222 में दिख रहा, मार्क कर लो और ये फिगर भर लो, अगर कोई उस समय नहीं भरा था आपने तो जाओगा PPT मैंने इनकॉर्पोरेट किया था पुराने बुक्स में भी, जो इस हफ्ते की अगले हफ्ते की जो बुक्स आ रही है जो अभी चल रही है उसमें ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 222 वाले में है, अरे दोनों बुक ही नए, मैंने जल्दी जल्दी एक बुक को फिर चेंज कर दिया, तो फर्स्ट AGM ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, सॉरी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है, और यहां से 9 मंथ्स जब आप कैलकुलेट करोगे तब क्या आएगा, 31 दिसंबर 2020। फर्स्ट AGM में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है, सफिशिएंट कॉज दिखाने से भी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है, तो ये पूरे बैच को एक अच्छा रिवीजन हो गया। नाउ वेट वन थिंग, हाँ बोलो ना, क्या चीज, नहीं वो दूसरा चीज है, मैं बताता हूँ वो दूसरी चीज है, आई विल कम टू दैट। तो पहले ये एक चीज बताओ मेरे को, क्लियर हो गया ना पूरे बैच को फाइनेंशियल ईयर वाली बात, ये 9 मंथ्स जब ऐड करोगे 31 मार्च में, 9 महीना ऐड करके देखना है सिर्फ, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020 करना है मुझे फर्स्ट AGM। नहीं, क्योंकि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, क्योंकि ये बना है 18/2019, तुम ही सोच लॉजिकली भी, 1 महीने का फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2019 अगर कर देती तुम, और लॉ में भी लिखा हुआ था उसके थ्योरी में, देखो लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मिला लाइन अंडरलाइन करो, फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर, फॉलोइंग सारा को नहीं, फॉलोइंग को भी देखो, नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर,
फॉलोइंग वर्ड मिला अगले साल के कैलेंडर ईयर में, आप समझ में आया? तो 31 मार्च को तो खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, और एजीएम तो उसके बाद होता है, तभी ना एजीएम में वही ना डिस्कस करते हो कि उस साल फिर क्या हुआ था, उस एनुअल अकाउंट्स का कंसिडरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. मजेदार चीज था ना? तो ऑल ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. और एजीएम के बारे में छोटी छोटी बातें अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स आप एजीएम होल्ड कर सकते हैं, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं पॉइंट्स, एंड 9 से 6, एंड नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होगा बाकी दिन तो, और कहां हो सकता है वो भी लिख दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस पर या उसी शहर में, टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड. इसमें कोई को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक कंपनी है, नाम सुना है तुम लोग? पक्का सुना होगा, नहीं सुना है? अमित बछावर ट्रेनिंग फोरम प्राइवेट लिमिटेड, बोलो बचपन से पढ़े हो आप यहां पर. ABTF प्राइवेट लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस सच्ची में कोलकाता है, वो होल्ड करना चाहती है दिल्ली, वो होल्ड करना चाहती है मुंबई, वो होल्ड करना चाहती है चेन्नई. के स्टडी 3 मार्क्स, पहले तो लिखोगे एज पर कंपनीज एक्ट AGM must be held at the registered office or within the city, town, village where the registered office is situated. फिर लिखोगे there is an exception given in the section. An unlisted company may now hold AGM at any place in India. पर उसमें एक पॉइंट है, लोग यहां तक तो लिख के आ गए, केस स्टडी में मार्क्स कम क्यों मिलता है? अगर मेरे साथ पढ़े हुए हैं फाउंडेशन भी, याद है ना ये टेक्निक, इफ लोग लिखना भूल जाता है, मार्क्स समझ में आ रहा है कैसे कट रहा है? कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस. तुम्हारे हैं ऐसी मार्किंग्स? तो जब भी प्रिपेयर करो एकदम आराम से, कूल एटीट्यूड से, जैसे पढ़े थे आप फाउंडेशन लेवल पर. अगर मेरे से पढ़े हुए नहीं है तो भी आप स्टाइल सीख जा रहे हैं, और अपने आप को एनालाइज करो, हमको इसमें 4 में 3.5 मिलेगा या आधा या 1 मिलेगा? रैंडम आंसर स्टूडेंट्स का क्या होता? इट कैन होल्ड, नो इश्यूज. पर मार्क्स क्या है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट नॉर्मल क्या है? एक्सेप्शन में भी लड़का बोला हाँ वो तो कर सकता है, मार्क्स कट गया ना. तो ये रैपिड फायर लिंक्स बहुत काम के होते हैं, क्योंकि ये आप याद दिलाएगा, इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस. बोलो यहां तक क्लियर है? उसी तरह क्वेश्चन आएगा, एक कंपनी का नाम सुना आपने, ONGC इज अ गवर्नमेंट कंपनी, पता है ना? और सपोज उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस सपोज असम में है, कहां है? असम में. और वो होल्ड करना चाहती है अपना AGM चेन्नई में. ONGC एक गवर्नमेंट कंपनी है, अभी मैं डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में नहीं जा रहा हूं, और वो होल्ड करना चाहती है चेन्नई में. आंसर बताओ फिर से. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट AGM मस्ट बी हेल्ड विद इन द सिटी, टाउन, विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड. सब सुन रहे हैं ना? बट देयर इज अ MCA सर्क्यूलर गिविंग रिलैक्सेशन टू गवर्नमेंट कंपनी and stating government company may hold AGM at any other place in India also. Unko within the city, town, village hold karne ki darkar nahi hai. Understood everyone? May hold AGM at such other place jo CG approve kar dega. Section 8 company ke liye to aur gajab baat. Section 8 company ko to business hours follow karne ka bhi darkar nahi hai. Unko to national holiday wale din bhi ho sakta hai. उनके लिए तो एनी प्लेस, ये है ना मेरे बुक में भी, 222 में, 217 में है डायग्राम 222 में है ना, चेक करो. और आजकल पेज नंबर्स अलग हो गए, किसी के उसी चैप्टर के अंदर मिल रहा होगा, किसी के 222 में. 3 टाइप की बुक्स चल रही है मेरी, मिल गया. मैं सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके छोड़ दे रहा हूं, पर MCA सर्क्यूलर वर्ड आंसर में आना चाहिए, वरना मार्क्स नहीं कटेगा. मार्क्स कटेगा. तो आज आप राइटिंग पैटर्न वापस समझ रहे हैं कि मेन जो ओरिजिनल लाइन लिखोगे, आपको याद है ना कैसे मैंने आपको बड़ा किया है, और फिर MCA सर्कुलर का रिलैक्सेशन देते हुए खुद को भी अच्छा लगेगा दैट आई वाज सो एक्सप्रेसिव. और नेशनल हॉलिडे भारत में सिर्फ 3 है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर. ऐसे संडे में तो छुट्टी होता है, संडे पब्लिक हॉलीडे. इज इट फाइन? इट्स नॉट अ नेशनल हॉलीडे. नेशनल हॉलीडे सिर्फ 3 है. इन्हीं क्लासेस में हम लोग बहुत पॉइंट्स और देख रहे थे. आप सपोज एक बात है कि AGM कोई कंपनी होल्ड ही नहीं कर रही है, जो टाइम लिमिट्स हम लोग पढ़े ना पीछे, उस टाइम के अंदर AGM होल्ड ही नहीं हुआ, तो अगर डिफॉल्ट हो जा रहा है, AGM होल्ड ही नहीं हो रहा है, देन NCLT में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर, एक शेयर होल्डर भी कंप्लेन कर सकता है, तब NCLT को अगर लगे हाँ ये बात तो सही है, तो इट कैन गिव डायरेक्शंस कि AGM होल्ड किया जाए.
और उस मीटिंग से रिलेटेड वो और डायरेक्शंस भी दे सकता है, एनसीएलटी यहां तक बोल सकता है, एक मेंबर भी अगर आ जाएगा मीटिंग में पर्सनली और बाय प्रॉक्सी तो मीटिंग वैलिड है. ओके, तो एनसीएलटी कैन कॉल एजीएम जब उसको कितने लोगों के एप्लीकेशन आए, एनी मेंबर भी अप्लाई अगर कर दे कि सेक्शन 96 के टाइमलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है. उसी तरह एनसीएलटी ईजीएम भी बुला सकता है, ये अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. बिफोर वी गो इनटू दिस, ये पूरे बैच को अब क्लियर हो गया एजीएम के बारे में, टाइमलाइंस, प्लेस, एवरीथिंग इज क्लियर. एंड सबसे लोग कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट एजीएम के टाइम लिमिट्स में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी में, मैंने टेबल के द्वारा बता दिया. एक लड़का पता है क्या सोच लिया, दोनों को हर चीज का रिलैक्सेशन है. एग्जाम में क्वेश्चन आया गवर्नमेंट कंपनी नेशनल हॉलीडे वाले दिन होल्ड करेगा, जो मेरी तरह कैटेगरिकली डायग्राम से नहीं पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा है रात को पढ़ा है गवर्नमेंट कंपनी को तो रिलैक्सेशन होता है, ना कौन बोला, गवर्नमेंट कंपनी को सिर्फ प्लेस वाला रिलैक्सेशन था, टाइम ऑब्जर्व करना पड़ता है, बिजनेस आवर्स के दौरान करना पड़ता है, नेशनल हॉलीडे के दिन वो नहीं कर सकते. मजा आ रहा है, वेरी गुड. अब इसमें आओ, बहुत ईजी है. पता एक डिफरेंस देखे हो, एजीएम साल में एक बार होता है, एजीएम कई बार जितनी दरकार हो, आप कोई भी जनरल मीटिंग अदर दैन एजीएम इज नोन एज एजीएम. तो बोर्ड डायरेक्शंस देता है, एजीएम बुला लिए जाते हैं 21 डेज नोटिस देकर, सुना है ना आपने कभी. पर कई बार, अब मैं पहले वेन्यू की बात करूंगा, कंपनी वापस वही आ जाओ. सपोज मैं बात करूं आईटीसी लिमिटेड, नाम सुना है ना आपने सिगरेट के बारे में, तो आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, कोलकाता में. उन लोग अपना ईजीएम होल्ड करना चाह रहे हैं मुंबई में, चेन्नई में. अकॉर्ड कर सकता भी मत बोलो, आदत पड़ जाएगा. मेरा स्टाइल, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ एनी कंपनी कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, हेंस आईटीसी इज नॉट इनकरेक्ट, दे आर करेक्ट इन होल्डिंग ईजीएम एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया. वो दूसरा चीज है. पहले तो एक सिंपल चीज बताओ मेरे को, यहां पर क्लियर है कि आईटीसी कहां होल्ड कर सकता है, इंडिया में कहीं भी होल्ड कर सकता है, येस और नो, आईटीसी इंडिया में कहीं भी होल्ड कर सकता है, सबने सीख लिया. तो एजीएम से क्या डिपार्चर हुआ, एजीएम में भी तो सर ये था ना एनी प्लेस इन इंडिया, वो था अनलिस्टेड कंपनीज इंडिया में अपनी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कहीं भी होल्ड कर सकते थे, इफ द कंसेंट इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड इज ऑब्टेन बाय ऑल. तुमको पता बेवकूफ कैसे बनाएगा, एग्जाम में अनलिस्टेड कंपनी देगा, एग्जाम में तुम्हारे एग्जाम में पता है क्या आएगा, अनलिस्टेड कंपनी, तुम्हारे एग्जाम में अनलिस्टेड कंपनी का एजीएम पूछेगा और लिखेगा उन लोग दूसरी जगह एट एनी अदर प्लेस करना चाहते थे, उनको कंसेंट मिला है 95% मेंबर्स की, और तुम्हारा रात को क्या पड़ा हुआ है, ऑल का चाहिए, तब हो सकता है, इसमें तो कम मिला है, तुमको भी कम मिलेगा, क्यों, यहां पे कोई कंसेंट की आवश्यकता ही नहीं थी. समझ में आ रहा है हाउ टू मिक्स मैच, और ये मेरी रिविजन लिंक ही आपको सही रास्ते पर लाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग, एनी अदर प्लेस इन इंडिया यहां पे खुला है, कहीं भी होल्ड कर लो. बट एक चीज है, इस क्लाइंट का मतलब पता है, कभी कभी इंडियन कंपनी, दिस इंडियन कंपनीज ईजीएम मे बी हैड आउटसाइड इंडिया, सब इसमें फंस जाते हैं, इंडिया में कहीं भी होल्ड कर ले, पर इंडिया बाहर कैसे चला गया. अगर ये इंडियन कंपनी, डायग्राम देखो फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देख लिया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर जल्दी से रॉन्ग दीजिएगा. एक इंडियन कंपनी है, हाँ सर, नाम है सपोज एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड भी एक इंडियन कंपनी है, और वाई लिमिटेड का एक्स लिमिटेड का 100% इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, तो ये इसका एस बन गया, ये इसका, हाँ या ना मुझे बताओ, ये वाई लिमिटेड है इंडियन कंपनी, 100% इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, ये एस है, ये क्या है, एच. कैन एक्स लिमिटेड ईजीएम बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया, अभी भी पढ़े हो, पहले तो प्रोविजन लिखोगे कि एज पर कंपनीज एक्ट ईजीएम में बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज एन एक्सेप्शन, ईजीएम ऑफ अ कंपनी, हाँ सर, विच इज 100% सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी,
then that Indian company's EGM may be held outside India. तुम्हारे संग पता है जुनून बस पागलपन था. हाँ हाँ जब इंडियन कंपनी 100% सब्सिडियरी होती है, कौन सी सब्सिडियरी? 100 और 80, जोर से बोलो, मजा आ रहा है चारू को. 100 और 80, कहानी में ट्विस्ट. तुमको 100% तबाही दिख गया, पर वो किसकी है? वो तो एक इंडियन कंपनी की ही है ना. तो ऐसे सिचुएशन में भाई और बहनों, इसको आंसर तो शॉर्ट में नो निकलेगा, वो इंडिया में ही होल्ड करना होगा. वो किसकी 100% सब्सिडियरी होनी चाहिए? मजा आ रहा है ना, रिविजन अच्छा हुआ ना आ गया. और एग्जाम में पता क्या आएगा, 80% इक्विटी शेयर होल्ड करेगा अगर फॉरेन कंपनी, तब वापस इंडिया में ही होना होगा. सर अब तो उसका सब्सिडियरी है सर फॉरेन कंपनी का, अब क्या प्रॉब्लम हुआ? हो गया प्रॉब्लम, हो गया. क्यों प्रॉब्लम हुआ? 100% सब्सिडियरी जब वो एक फॉरेन कंपनी का होता है, तब उसकी ईजीएम बाहर में हो सकती है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मजा आया? तो दिस वॉज अ गुड कैच. आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को. आपके पास भी है ना ऐसा कुछ? लिखाया था मैंने भी, सबने देखा. तो ये बहुत क्लैरिफाई हो गया है. और लोग यहां फंसते हैं, अनलिस्टेड कंपनी ईजीएम होल्ड करना चाहती है, 95% मेंबर्स हां बोल दिए थे, क्या हो सकती है? और तुम तो सोचोगे कितने का नहीं मिला. ऑल का कंसेंट चाहिए होता है, इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड इन एडवांस. फ्रेंड बोलेगा तुम और लिखा है ना ये सब, कम लिखा कर, कम बोला कर, क्योंकि यहां पे वो था ही नहीं. यहां पे एक्ट ने डायरेक्टली बोल दिया था, एट एनी प्लेस इन इंडिया आप होल्ड करिए. तो वो था रे, वो अनलिस्टेड कंपनी जब एजीएम होल्ड करना चाहता है एनी प्लेस इन इंडिया, तब सबकी सहमति चाहिए. और आज वापस रिपीट कर दूं, आज एक नया बात पता चला था, हम लोग रिविजन जब कर रहे थे, कि लिस्टेड कंपनी जो है उसका एजीएम जो है वो 5 महीनों के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ, हर लिस्टेड का नहीं, वापस मैं अपने आप को भी सुधारूंगा. टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज जो मार्केट वैल्यू के अनुसार 31 मार्च को देखी जाती है, उनका देखा जाता है. तो एक नया पॉइंट बताया था शशांक आने के पहले, कि टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज मार्केट वैल्यू के अनुसार उनको है ना अपना एजीएम 5 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर करना पड़ता है. जो तुम लोग पेनड्राइव में पढ़े हो ना, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए बीच में पीरियोडिकल अपडेट्स आना जरूरी है. वरना लिंक तो आ ही जाता वैसे घर में, नॉट एन इशू. मजा आया? तो ये बताइए, क्या मेंबर्स ईजीएम बुला सकते हैं? आप मुझे बताइए, कैन मेंबर्स कॉल ईजीएम? मेंबर्स ईजीएम बुला सकते हैं? तो ये तरीका याद है आपको, ये देखो अपने अपने किताबों में बुक खोलो. ईजीएम वाले पेज में आप देख रहे थे कौन किसको कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है. कैन मेंबर्स कॉल ईजीएम? चेक करो कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी रिटन रिक्वेस्ट साइन करके रजिस्टर्ड ऑफिस पर जमा देंगे. लैंग्वेज याद है, मेंबर्स होल्डिंग. Language is not 1/10 of number of members. देखो देखो तुमने कुछ लिखा है क्या? ये रिविजन वीडियो जब देखते हो ना, ईयरफोन में लगा के मतलब कानों में ईयरफोन लगाकर हाथ में पेन वेन लेकर देखना चाहिए. और कई लोग और खोपड़ी है, सर सिलेबस के एंड में देखे ना रिविजन. नहीं, तुमको कई बार रिविजन करना होगा इंटरमीडिएट इंटरवल्स पर. अभी देखो, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल और वोटिंग पावर. ऐसी लैंग्वेज है ना, अरे पेड अप इक्विटी कैरिंग वोटिंग राइट्स, तो मैंने इक्विटी मान लिया सीधा, या पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स. इन लोग जब रिक्वेस्ट करेंगे इन राइटिंग लैंग्वेज, ये भी आया था ना, साइंड एंड डिपॉजिटेड एट विच ऑफिस? रजिस्टर्ड ऑफिस. संग में बैच पूरा वर्क कर रहा है मेरे संग. तो विद इन 21 days ऑफ द डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट स्टेप्स आर टेकन टू कॉल ईजीएम सो दैट द मीटिंग कैन बी कॉल्ड विद इन 45 days. अच्छा सारे डेज कहां से काउंट हो रहे हैं? अदरवाइज शेयर होल्डर्स विल देमसेल्व्स कॉल द मीटिंग विद इन 3 months. कहां से 3 months काउंट हो रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट. समझ, अब कितना एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा आपको आंसर के अंदर, तब ईजीएम बुलाया जा सकता है. जो खर्चा अगर नहीं बुलाते हैं इस 3 महीना के अंदर, तो रिक्विजिशनिस्ट शेयर होल्डर्स खुद बुलाते हैं. हाँ या ना? और जो खुद बुलाते हैं उनका जो खर्चा लगता है, फिर वो रिकवर करते हैं डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स से. इसमें सब लोग फंसते हैं. ये मेंबर्स होल्डिंग वाले लाइन को मैच करो सब कोई. इट्स नॉट 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स. लैंग्वेज क्या है? मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स. सर फर्क क्या है? एक हो गया नंबर गिनती में, और एक बोलते हैं उतने मेंबर्स जिनके पास इतना शेयर पेड अप शेयर कैपिटल का होल्डिंग हो, उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तब मीटिंग बुलाई जाती है.
इज इट फाइन एवरी वन, चेक कर लिया तो अच्छा लग रहा था। हम लोग ईजीएम भी सीख चुके थे और ईजीएम में आज वापस एक दो चीज रिवाइज की। शशांक बोर्ड पे देखो, ये जो होता है ना इंडियन कंपनी ईजीएम इंडिया में कहीं भी होल्ड कर सकती है और कभी कभी इंडिया के बाहर भी, पर ये बाहर में नियम क्या था, फॉरेन कंपनी का 100% हो रहा होगा, तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा, वो इंडियन कंपनी और एक है उसका 100% सब्सिडरी है, तुम तो रख के जाएगा। हाँ, जब वो 100% सब्सिडरी होता है तो हो जाता है बाहर भी। रॉन्ग हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। फॉरेन कंपनी का जब वो 100% क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में फॉरेन कंपनी का भी वो नॉर्मल सब्सिडरी होगा 75% इक्विटी में, तो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। सो वेरी गुड बैच। और इसी में हमने ये भी सीखा था एक चीज, दो सम सीखे थे हमने, दो क्वेश्चन सीखे थे, याद आ रहा है आपको, जिसमें मैंने आपको राइटिंग पैटर्न बताया था। जैसे 40% मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं ईजीएम बुलाने के लिए, केस स्टडी दिखाया था मैंने, आरओ द कंपनी फेल टू कॉल द सेड मीटिंग एंड हेंस द रिक्विजिशनिस्ट हेल्ड द मीटिंग, खुद किए बेचारे, सिंस द एमडी डिड नॉट अलाउ द होल्डिंग एट द रजिस्टर ऑफिस, वो मीटिंग को दूसरी जगह होल्ड कर लिए। तो कई लोग तो भावुक हो गए, ये कैसे कर लिया, अरे दूसरी जगह तो हो ही नहीं सकता, अभी अभी पढ़े हो आप तो इंडिया में आजकल कहीं भी। सो तो आंसर में क्या लिखें, क्वेश्चन में दो पार्ट है और एक रेजोल्यूशन पास हो गया, क्वेश्चन का दो पार्ट है, क्या ये मीटिंग वैलिड है जो दूसरी जगह होल्ड हुई है, क्या रेजोल्यूशन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, पर आंसर में तो यस नो पे मार्क्स नहीं है, पहले आपको पूरा वो बताना पड़ेगा कि ईजीएम बताया जाता है अगर मेंबर्स, देखो होल्डिंग लैंग्वेज पे कमांड आ रहा है केस स्टडी लिखते वक्त, और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये 40% नंबर ऑफ मेंबर्स के पास होल्ड भी है, दे आर होल्डिंग ऑल्सो, हमारी अजम्पशन किस दिशा में जा रही है कि ये नंबर ऑफ मेंबर्स 40% है, इनके पास 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स है भी। और फिर हमने पूरा प्रोसीड्यूअर लिखो, प्रोसीड्यूअर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, प्रोसीड्यूअर कॉमा टाइम लाइन्स एक्सप्लेन्ड, समझ में आ रहा है, यहां पर रिक्वायर्ड नंबर एक्सप्लेन, क्वेश्चन के मार्क्स कहां कहां मिल रहा है कि स्टडी में देखो, रिक्वायर्ड नंबर आपने एक्सप्लेन किया, आपने प्रोसीड्यूअर एंड टाइमलाइंस एक्सप्लेन किया, फिर कोई केस लॉ दिया गया, वो बोलता है अगर आप रजिस्टर ऑफिस नहीं देंगे वो कहीं भी होल्ड करेंगे, मोर ओवर एक्ट नाउ अलाउज दैट यू इट ईजीएम कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया और कभी कभी बाहर भी, कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो अगर आपका ये तीनों चीज एक्सप्लेन नहीं है, नंबर लिखा, नंबर एक्सप्लेनेशन लिखा आपने अपने हेल्पलाइन, प्रोसीड्यूर एंड टाइमलाइंस एक्सप्लेनेशन, ऐसे में फाउंडेशन में भी आपको बोलता था ये आना चाहिए, तो आप जब आंसर्स लिख रहे हो, नंबर एक्सप्लेनेशन, प्रोसीड्यूर एंड टाइमलाइंस एक्सप्लेनेशन लिखो, एक्ट नाउ अलाउज, एंड सुनो सुनो, क्वेश्चन में हमेशा केस स्टडी में सिखाया गया, केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन जरूर पढ़ो, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द मीटिंग, तो आप बताओगे मीटिंग वैलिड है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन पास, तो आप दोनों चीज को कंक्लूड करोगे, समझ में आ रहा है, मीटिंग भी वैलिड है और ऊपर से रेजोल्यूशन भी वैलिड है, बोथ थिंग्स हैव टू बी कंक्लूडेड, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन। उसी तरह यहां भी था, जब एग्जाम में आता ना कभी भी आएगा, बताओ वैलिड या इनवैलिड, वन लाइनर नहीं लिख के आना है, पहले वो रेलिवेंट प्रोविजन, कितने लोग रिक्वेस्ट प्लेस किए थे, सर हाँ 10%, नहीं, members holding at least 10% of the paid up share capital carrying voting rights, yes or no, to ye sab cheez aap bataoge, aur requisitionist bolta hai meeting nahi bulane denge, reasons nahi bataya ja raha, reasons batana zaruri nahi hai, matters batana zaruri hai ki ye hum discuss karne wale, reasons company unko nahi batayega, sorry requisitionist board ko nahi bhi batayega, reasons for passing the resolution bolta meeting mein batayenge। तो इस पर भी एक केस स्टडी आया हुआ है, मीटिंग में आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना, आप ये मीटिंग क्यों बुलाना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट्स फॉर कॉलिंग द मीटिंग, पर्पस ऑफ कॉलिंग द मीटिंग, रीजंस बिहाइंड दैट पर्पस मे नॉट बी स्पेसिफाइड, पर आंसर ऐसे शुरुआत नहीं कर सकते, पहले बताओगे कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है उतने लोग अप्लाई किए थे, फिर वो एक्सप्लेन करोगे, हमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, व्हाट इज दैट एक्सप्लेनेशन, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स हैव मेड दिस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, इज इट फाइन एवरीवन। तो इससे क्या हुआ, ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया, ये वो जो चैप्टर था टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग, ये हम लोग ऑलमोस्ट इन चीजों को ग्रिप में ले चुके हैं। एक ही पीपीटी डाला आपने, श्योर, जस्ट मिनट,
एजीएम, ईजीएम आपने देखा था आज, बोलिए। ये हमेशा मैंडेटरी होता है एजीएम, ईजीएम जैसी दरकारी वैसे आप करते हैं। व्हाट इज क्लास मीटिंग? व्हेन वी मीट इन द क्लासरूम, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। सपोज अगर मैं बोलूं 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तो उस मीटिंग में सिर्फ कौन अटेंड करेंगे? उनके कुछ राइट्स के बारे में हो रहा होगा। एंड पता है, कोई भी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए ये तीन चीजें चाहिए होती हैं। प्रॉपरली कन्वीन्ड, यानी नोटिस प्रॉपर अथॉरिटी दिया हो, टू प्रॉपर पर्सन, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, सर कोरम प्रेजेंट हो थ्रू आउट द मीटिंग, सिर्फ शुरुआत में होने से नहीं चलेगा, प्रॉपरली कंडक्टेड, वोटिंग सही तरीके से हुआ हो, एंड फिर मिनट्स आपके रिकॉर्ड हो गए हो। थ्री सीज बोलते हैं इसको, प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपरली कंडक्टेड। फिर आप बोलना क्या चाहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आया, एजीएम होल्ड करने का लास्ट डेट था 30 सितंबर, कंपनी ने 17 अक्टूबर को किया, क्या ये एजीएम वैलिड है? तो आंसर बताना पड़ता था, द वैलिडिटी ऑफ एनी जनरल मीटिंग डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज। इन द प्रेजेंट केस एजीएम हैज बीन हेल्ड बियॉन्ड द टाइम, लगेगा आपके ऊपर जो पेनल्टी है, बट इफ दीज थ्री फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन दैट एजीएम, AGM can be still valid. सारे बच्चे ये जानते हैं, टाइम के बियॉन्ड हुआ है AGM को वैलिड मत करो, पर अगर आप टाइम के अंदर कर रहे हैं AGM अभी भी वैलिड माना जा सकता है, अगर ये तीन फैक्टर्स आपके मौजूद हो। विल यू रिमेंबर AGM में एक्सटेंशन वाली बात जो हम लोग पढ़े थे? वापस ये पीपीटी वही सेम चीज दिखा रहा है, सेम थिंग, फायर लगा दिया, देखिए मैंने आपके लिए अपने कंप्यूटर में, एनुअल अकाउंट्स रेडी नहीं हुआ है फायर के कारण, ये एक स्पेशल रीजन हो सकता है। और एजीएम में प्राय ये चार मैटर्स डिस्कस होते हैं, इसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं, इसको छोड़कर कुछ डिस्कस होता है तो वो स्पेशल बिजनेस बोला जाता है, बट ईजीएम में ऐसी विभाजन नहीं है, कुछ भी डिस्कस करते हैं तो क्या माना जाता है? तो इसको अड्डा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि लैंग्वेज दिख रहा है, रिटायरिंग डायरेक्टर्स की जगह डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, ऐसा लैंग्वेज है। उसके अलावा टाइम लिमिट ऑफ होल्डिंग एजीएम, मैंने फिर से वही सब चीजें दिखा दी आपको, और अनलिस्टेड कंपनी में आपने एक स्पेशल चीजें देखी थी आज भी, अगर सारे मेंबर्स हाँ बोल दें, गवर्नमेंट कंपनी में एमसीए का रिलैक्सेशन था कि वो दूसरी जगह भी होल्ड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिटी के अंदर करें, ऑल मेंबर्स हाँ बोले तो अनलिस्टेड कंपनी इंडिया में कहीं भी कर सकता है, पर इंडिया के बाहर तो था ना, बाहर वो ईजीएम में था, वो भी हर समय नहीं जब एक इंडियन कंपनी 100% सब्सिडरी हो। रॉन्ग आंसर, किसकी 100% सब्सिडरी हो? फॉरेन होल्डिंग कंपनी जब उसकी हो। मजा आ रहा है ना, तो इसको प्लीज इंटरेस्ट से करना चाहिए। और ईजीएम जो है, देखो मजेदार चीज, सर्टेन मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे कंपनी का बोर्ड बुला सकता है, और कई बार एनसीएलटी बुलाता है ईजीएम। सर आप बताए थे तो नहीं, ये दूसरा चीज है, जब मीटिंग को बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, ऐसा कुछ मिला क्या आपको? कौन सा सेक्शन नंबर है? आपस में झमेला चल रहा है, डेडलॉक है बोर्ड पर, कौन सा सेक्शन नंबर है? 98, when it is impracticable to call EGM, the board नहीं NCLT खुद बुला सकता है, या उसको कोई भी एक डायरेक्टर, और इस बार कोई भी एक मेंबर भी अप्लाई करे, सब लोग कंफ्यूज हो गए, MCQ आता है इस पर, सी एंटर में कितने मेंबर्स अप्लाई करेंगे NCLT को, तब NCLT EGM बुलाएगा, उसमें पता वन ऑफ द ऑप्शन क्या रहेगा, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स, मेंबर्स होल्डिंग 1/20th, members holding 1/15th, none of the above, yeah, none of the above right answer. So, कैसे इस NCLT जब EGM बुलाता है, एक member भी apply कर दे तो बुला लेगा, अगर वो खुद satisfy हो जाए, वरना तो meeting बुलाना असंभव है। फर्क समझ में आ रहा है? तो आज के क्लास में बहुत सारे confusing areas दिखाई दिए, लोग कहां confuse हो सकते थे? EGM का वो 100% subsidiary में लोग कहां confuse हो सकते थे? वापस पूछूं, सर एक कंपनी ईजीएम होल्ड करना चाहती है, कलकत्ता में रजिस्टर ऑफिस है, वो बॉम्बे में होल्ड करना चाहती है, सर 90% मेंबर्स तो हाँ बोल चुके हैं, शशांक बताओ 90% मेंबर्स हाँ बोल चुके हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग मुंबई में होल्ड करना चाहती है, कलकत्ता की कंपनी है, तुम लोग चुप रहेगा, वो 90% तो हाँ बोल दिए हैं, अनलिस्टेड है 90% तो हाँ बोल दिए, नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? ऑल मेंबर्स फंसा दिए, वो ऑल मेंबर्स एजीएम में था, अब कभी नहीं करेगा गलती, मतलब तुम लोग इस पे पीएचडी कराया है आज मैंने आपको सबको, क्योंकि क्या किया पता है, बहुत पास में लाकर छोड़ दिया चीजों को, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में था अनलिस्टेड कंपनी में कितने लोग 100 100 या 100,
अरे सिर्फ पुकार पुकार के चिल्ला कर वातावरण में नॉइज पोल्यूशन फैला के नहीं होता है, इस मानस में हलचल उत्पन्न करना पड़ता है कंपेयर करके, एनालाइज करके। तो ये रैपिड फायर रिविजन मत भूलिएगा। इधर पे तुमको जो मैंने पूछा उसमें उसको दरकार ही नहीं था, वो ऐसे ही इंडिया में कहीं भी होल्ड कर सकता था ईजीएम। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में फिगर्स देगा, अब तुम नहीं होगा, ओके? और ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। और ईजीएम जब बुलाता है बाय एनसीएलटी, तो ये तीन एरोज आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पक्का ये सारे हो चुके हैं? पॉज वंस, हम लोग नई क्लिपिंग बनाएंगे।